दोस्तों बात करने वाले हैं जेबी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए जेबी पावर स्टॉक में अभी के टाइम जो लोग ऊपरी लेवल पे खरीद रहे हैं दोस्तों, सारे लोग अभी के टाइम पे नहीं कर, भले आज 200-150% की तेजी आई है, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे दोस्तों तो हाल ही के अंदर हमें नए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिले। देखो हमें दोस्तों टोटली यहाँ पे लॉजिकली सोचना है, मैं यहाँ पे हमें पैनिक होके या इमोशनली अटैचमेंट नहीं दिखानी है, हमें टोटली यहाँ पे जो प्रैक्टिकली जो चीजें चल रही है ना उनको देखना है एंड उनको हमें नोटिस करना है। देखो भले ही स्टॉक का प्राइस ही रहे बट स्टॉक वही है, वैल्यूएशन उसी लेवल की है जिस हिसाब से स्टॉक 40 सॉरी जो 24 के लेवल पे गया था वही स्टॉक है। तो यहाँ से अगर आप सीधा सीधा नोटिस करोगे दोस्तों तो हाल ही के अंदर जो Q4 के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न आए वहां पे हमने देखा कि FI ने भाई माल खरीदा, ठीक है, DI ने हल्का सा कम किया क्योंकि DI दोस्तों आपको पता ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, FI अगर माल खरीदता है तो स्टॉक को संभालने की स्थिति भी रखता है, मतलब यहाँ से आज दिन तक का रिकॉर्ड है FI ने जिन जिन स्टॉक में यहाँ पे अपनी होल्डिंग बढ़ाई ना टोटली वो प्रॉफिट ही लेके गए, 90% चांस है कि उन्होंने प्रॉफिट ही कमाया है, चाहे स्टॉक के फंडामेंटल करेंटली नेगेटिव होंगे तो बढ़ाया तो आगे जाके पॉजिटिव फंडामेंटल हो गए। तो हमें दोस्तों बड़े प्लेयर्स के पीछे चलना न कि आगे, क्योंकि यहाँ से देखो दोस्तों हमें हमारे पास इतना जो रिसर्च एनालिसिस मतलब इतना नहीं है, ठीक है ना, जो कॉन्टेंट इतने नहीं है बट उनके पास दोस्तों बहुत ज्यादा कॉन्टेंट मतलब कॉन्टेक्ट होते हैं ना, उसकी वजह से उन्हें पता रहता है कि क्या चीजें हो सकती है, तो हम उनके पीछे चलते हैं तो भी हमारे लिए फायदा रहेगा। तो अभी के टाइम FI ने होल्डिंग बढ़ाया इसका मतलब ये है कि आगे जाके कुछ बड़ा हो सकता है, ये हमें एक पॉजिटिव संकेत मिला। दूसरी बात करूं आज दोस्तों 1.5% के मोमेंटम में स्टॉक दिखा है, यहाँ पे तेजी क्यों आई, तेजी लास्ट मोमेंट में हमें देखने को मिली। देखो मैं एक चीज आपको हर बार बताता हूँ कि अभी के टाइम ASM स्टेज 4 में है, ठीक है ना, तो यहाँ से जब तक ASM में है या एकदम से खरीदारी आती है तो स्टॉक ऊपर जाता है, एकदम से सेलिंग आती है तो नीचे जाता है, मतलब यहाँ पे टोटली जो भी शेयर खरीदे जा रहे हैं डिलीवरी में खरीदे जा रहे हैं, जो भी शेयर यहाँ पे बेचे जा रहे हैं उनको खरीदने वाले भी डिलीवरी में ही खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती जब स्टॉक ASM में था, टोटली धीरे धीरे गिरावट में जाता है क्योंकि ओपनर गेम बंद हो जाता है। अभी के टाइम ये खड़ा है इसका मतलब ये कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है इसलिए इतना ये नहीं गिरा, तो यहाँ से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, टोटली आपको ध्यान रखना है यहाँ से देखो थोड़ा टाइम ले सकता है बट इम्पोर्टेंट ये कि तेजी आएगी या नहीं आएगी, तो डेफिनेटली तेजी नजर आएगी एंड जो आपका 24 का लेवल है ना वो भी ब्रेक करेगा। देखो भाई मार्केट में कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं जो सीधा सीधा 2 रुपए का स्टॉक 200 चला जाए, सीधा सीधा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, उसके बीच वो कई लोगों का पैसा खाएगा, कई लोगों का पैसा वो कम कर देगा, मतलब पोर्टफोलियो में दिखा देगा कि भाई अब आप निकल जाओ, उसके बाद दोस्तों वो उस लेवल पे पहुंचेगा। तो यहाँ से हमें अगर हम सोच रहे हैं कि हमें 50 पर बेचना तो हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। डाटा बता दूं दोस्तों आज वॉल्यूम स्टॉक की सही थी, 2.5 करोड़ के आसपास शेयर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिले, टोटली इनको सबको डिलीवरी में खरीदा गया है। अब इनको डिलीवरी में खरीदने का मतलब है कि लास्ट मोमेंट पे हमें बाइंग आती हुई देखने को मिली एंड देख लो MOB स्टॉक का 4,05,000 शेयरों के साथ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, ये मंडे के लिए अच्छा संकेत है। दूसरी चीज मार्केट आज क्यों गिरा, मार्केट गिरावट के पीछे वजह है दोस्तों यहाँ पे जो US है उसके जो इन्फ्लेशन के आंकड़े तो वो कुछ खास नहीं दिखे, तो उसकी वॉलिटिलिटी में वहां का मार्केट पे प्रेशर दिखा एंड वहां के मार्केट के प्रेशर के कारण अपना मार्केट भी प्रेशर में आया है। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, रिजल्ट डेट अभी तक आई नहीं है, मेन चीज यहाँ से अगर बताऊं मैं तो सबसे मेन मेरे को अच्छा लगा स्टॉक का पी। अब ये पी दोस्तों अगर इस क्वार्टर में कंपनी फिर से प्रॉफिट करती है ये पी 20 के नीचे चला जाएगा। आप सोचो सोचो जो यहाँ पे आपका जेपी पावर इसका पी भाई आपको मिल रहा है 20 के आसपास, सोचो तो क्या स्टॉक की रियल वैल्यू नहीं है, जबकि स्टॉक की जो यहाँ पे जो बुक वैल्यू ना भाई एसेट्स कंपनी के पास कमाल गए, बुक वैल्यू स्टॉक की शानदार है 15 की बुक वैल्यू, तो इजीली यहाँ पे स्टॉक दोस्तों देखो किसी भी स्टॉक को खरीद रहे हैं यदि वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग तो जो आपकी बुक वैल्यू है ना भाई उसके अकॉर्डिंग आप उसको 2 गुना तक खरीद सकते हो। तो इसकी बुक वैल्यू कितनी है 15 की, तो हम कितना खरीद सकते हैं 30 तक अगर कंपनी सही है, तो यहाँ पे अगर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है पीई करना तो 2 वैल्यूएशन वहां पर जाती है, तो पीई की वैल्यू होती है एक यहाँ पे पीबी रेशो की वैल्यू होती है, तो अकॉर्डिंग अगर अपन दोनों के देखें तो यहाँ से भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है, आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ेगा, तो डरना बिल्कुल भी नहीं। देखो आप पैनिक क्यों होते हो, टोटली आप समझो गेम समझो, मार्केट में जो चीजें आपको दिखाई जाती है ना वो रियलिटी में होती नहीं है। अगर आज के 10-15 दिन पहले देखोगे जेपी पावर में जब लोअर सर्किट लग रहे थे लग रहा था कि भाई 10 का लेवल भी तोड़ देगा, हुआ क्या, रिकवरी आई या नहीं आई, डेफिनेटली रिकवरी आई, 18 रुपए में ट्रेड कर रहा है अपने हाई लेवल से, ऑलराउंड यहाँ से दोस्तों 6 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है, तो भाई अगर सर्किट वो सर्किट चलेगा ना जिस दिन तो ओनली फॉर एक मतलब यहाँ से 5 या 6 दिन चेस स्टॉक को नया हाई लगाने के लिए एक झटके में यहाँ से पूरा गेम ही बदल जाएगा, तो वेट करो टोटली बड़े फिलर सबके टाइम खरीद रहे हैं स्टॉक को भगाया जाएगा, बट ये है कि पहले टोटली जो रिटेल है पैनिक होने वाले उनको भी बाहर किया जाएगा, तो यहाँ से हमें टोटली वेट करना है। अच्छा स्टॉक है लॉन्ग टर्म हम रख सकते हैं, टोटली कंपनी प्रॉफिट कर रही है इससे हमें क्या चाहिए, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो भाई अपने आप स्टॉक को प्राइस तो ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा,
कंपनी में दिक्कत है ही नहीं कुछ यहाँ से, तो वेट कर लो, अच्छी चीज है। एंड 1855 का कार्ड यहाँ ही था, 1760 का आज का लो था। मेन चीज टेक्निकली व्यू क्या कह रहा है तो वो भी देख ले। देखो डाटा समझो, अभी के टाइम आपके जो पावर सिर्फ आप देखोगे ना, नोटिस करोगे ना, किसी में भी इतनी बड़ी तेजी नहीं है कि आप ये बोल सको कि भाई एक ओनली फॉर जेपी पावर ही नहीं भाग रहा। सब स्टॉक भाई अभी के टाइम कंसोलिडेट देखने को मिल रहे हैं। जो आपके जेपी पावर है इसका RSI 55 पे चल रहा है, 50 के नीचे जाने के चांस नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड फिर से आ जाएगा। तो हाल ही में स्टॉक ने अपना डाउन ट्रेंड को तोड़ा है। ओवरऑल देखा जाए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेवल्स को स्टॉक हमेशा फॉलो करता है। जो ये लेवल है ये अप ट्रेंड का लेवल है, तो यहाँ से अगर दूसरे लेवल टूट जाता तो फिर यहाँ पे ये इस लेवल को ही सपोर्ट बना लेता। अभी के टाइम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद हमें यहाँ पे जो लेवल है वो टूटते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू भागेगा। ध्यान रख लेना, जब भागेगा ना कंटिन्यू भागेगा, आपको मौका ही नहीं देगा। तो खरीदने का मौका टोटली अभी है। एंड जब से स्टॉक में करेक्शन आया, ये वोलेटिलिटी दिखी है ना भाई, ये पूरा लफड़ा फैला ना यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे हो अभी के टाइम टोटली आपको जो ये वोलेटिलिटी नजर आई ना, इससे फैले फैले तो छोड़ो, इसके आगे का ये देखो। तो भाई यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है स्टॉक में, इसका मतलब क्या है, बड़े प्लेयर्स ने खरीदा, रिटेल ने बेचा, तो रिटेल का यहाँ कटा है, ठीक है ना। तो जल्दबाजी ना करें एंड थोड़ा सा पेशेंस दिखाए, डरे बिल्कुल भी ना, अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म करो, पैसा दिख ही जाएगा।